subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो कास्टिक सोडा। आज हम कास्टिक सोडा के बारे में बात करेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने अलग अलग इंडस्ट्रियों के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे कि सोडा आइस कैसे इंडस्ट्रियों में बनाया जाता है। बेसिकली सोडा आइस दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो सोडा आइस नाम से जाना जाता है, दूसरा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से जाना जाता है, तीसरा लाई नाम से जाना जाता है। अगर इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा मतलब है कास्टिक सोडा के बारे में आपको उन्हें बताना है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से प्रोसेस उसमें यूज होते हैं, क्या केमिकल्स यूज करके वो बनाए जाते हैं, आज उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ बार बार कि शुरू करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लें, उसके रिएक्शन के बारे में जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो बेसिकली उसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 40, वो आप इस फॉर्मूले से बिल्कुल सिंपल से निकाल सकते हैं। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1390 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब इतने डिग्री पे वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 318 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, 318 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ये थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम बात करें कि इसके यूज कहाँ होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका बेसिकली यूज हमारा पेपर इंडस्ट्री में होता है, सोप में होता है, डिटर्जेंट में होता है, इन सब चीज़ों में एनएओएच का ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि उसके रिएक्शन कैसे, हम उसके क्या रॉ मटेरियल लगा के उसको बनाते हैं। तो उसके जो बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं वो दो रॉ मटेरियल होते हैं, एक तो NaCl जो हमारे होता है सोडियम क्लोराइड होता है, और दूसरा होता है वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये दो इसके बेसिकली रॉ मटेरियल हैं। तो फार्मूला आप देखें, जब NaCl को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, NaOH, मतलब हमारा क्या बन गया, सोडा आइस। और हाफ मोल्स हमारे हाइड्रोजन और हाफ मोल्स क्लोरीन इसमें से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक, तो ये तो हमारा रिएक्शन था। रिएक्शन से ये क्लियर होगा कि इसमें कहाँ कहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक, अब हम बात करेंगे कैसे कैसे ये हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बात हो रही है यहाँ पर। तो एक जो हमारा पहले रिएक्टर लगा हुआ है, इसे रिएक्टर भी आप बोल सकते हैं, सिंपली बैसल होता है जिसके अंदर एक एजिटेटर लगे होते हैं। तो इसे बोलते हैं ब्राइन प्यूरिफायर, मतलब जो हमारा ब्राइन आ रहा है। तो ब्राइन की कंपोजिशन आप जानते ही हैं क्या होता है, जो हमारा साल्ट होता है प्लस वाटर के मिक्सर को हमारा क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ब्राइन को हम लाते हैं इसमें ब्राइन प्यूरिफायर में, और इधर से Na2CO3 इसमें डालते हैं। जब ये मिक्स होता है NaCl और H2O तो क्या हमारा बनता है, NaOH, और इसके साथ क्या बोलते हैं, हाफ मोल हमारे हाइड्रोजन हाफ मोल क्लोरीन यहाँ पे बन गए। लेकिन क्या होता है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की, वो इम्प्योरिटी होती है, उसे हटाने के लिए हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डाला। ठीक, वो क्या करता है, उसे स्लज के रूप में नीचे कवर कर देता है, सेडिमेंट करवा देता है, उसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब जो हमारा 25-28% तक है क्या बना, NaOH बना, उसे हम निकाले जाते हैं फिल्टर में। फिल्टर क्या करता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, बड़े सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसे यहाँ से रिमूव करता है इम्प्योरिटीज को ये फिल्टर। स्टीम के साथ उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, उसे हीट अप करके। उसके बाद हम ले जाते हैं क्या पर, डायफ्रैगम सेल में। डायफ्रैगम सेल का सिंपली से क्या मतलब होता है, जो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त हो रहे थे उसे यहाँ से रिमूव करना, जो NaOH के साथ आ रहे हैं दोनों उसे यहाँ से रिमूव करना। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के तो हमने सिंपली रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यहाँ से, लेकिन क्लोरीन, इस इंडस्ट्री में आप सिंपल सी बात ध्यान रखें, अगर आपसे क्लोरीन के बारे में भी पूछ रहा है तो आप यहाँ से शुरू करें और इधर की तरफ जाए, मतलब इसी इंडस्ट्री से आप दोनों चीज काम कर सकते हैं, NaOH भी बना सकते हैं और क्लोरीन भी बना सकते हैं। तो क्लोरीन की बात अभी बाद में करेंगे, अभी हम बात करें NaOH की। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और क्लोरीन को रिमूव कर दिया। अब क्या बेसिकली हमारा बचा, NaOH। ठीक, NaOH को हम ले गए कहाँ, इवोपरेटर। ये मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर होता है, मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर, लगभग 2 से 3 इवोपरेटर सीरीज में लगे होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे 1, 2, 3 ऐसे सिंपल सीरीज में लगे होते हैं इवोपरेटर। तो ये क्या काम करता है, मैंने इवोपरेटर के बारे में आपको वीडियो बना चुका हूँ। तो इवोपरेटर क्या करता है कि कोई भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और कैसे, जो उसमें सॉल्वेंट होते हैं उसे वेपर फॉर्म में रिमूव करके। ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ से उस वेपर को निकाल देगा, स्टीम निकाल देगा, मतलब जो वाटर रहा होगा उसे निकाल देगा यहाँ से। अब बचा हमारा क्या, 50% NaOH, मतलब यहाँ 25-28% थी, यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ के कितने हो गई, 50% हो गई। ठीक है, इवोपरेटर के बाद अगर आप चाहें तो 50% के NaOH यहाँ से निकाल सकते हैं।
अगर इससे भी हाई कंसंट्रेशन की चाहिए तो आप इसको सेंट्रीफ्यूज में ले जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली कुछ नहीं होता, वो दो फेज को सेपरेट करता है। मतलब इसमें हमारा साल्ट भी था और NaOH भी था, तो साल्ट को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज लगाया। सेंट्रीफ्यूज साल्ट को अलग कर दिया, NaOH को अलग कर दिया। अब यहाँ से इसको हम ले आए, यहाँ तो हमारा क्या होता है, स्लरी होता है। स्लरी जो होता है वो यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। अब ये क्या है, साल्ट क्या है, सेचुरेटर। साल्ट सेचुरेटर क्या होता है, इसमें हम ब्राइन डालते हैं, इसमें हम ब्राइन डालते हैं। ब्राइन क्या करेगा, इसके साथ फिर से रिएक्शन करेगा। ब्राइन इसके साथ फिर से रिएक्शन करके इसे सेचुरेट फॉर्म में लाएगा, जो इसमें पहले से निकलते हैं उसको सेचुरेट फॉर्म में लाएगा। उसके बाद क्या होगा, इससे फिल्टर में जाते हैं, कोई इम्प्योरिटी अगर आई हो तो उसे रिमूव करेंगे। फीड टैंक, ये सिंपली एक होल्डिंग टैंक होता है जहाँ पर हम इसे स्टोर करते हैं। अब आगे देखें, ये मरकरी सेल, मरकरी सेल का मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। इस टाइप का होगा, यहाँ एनोड लगा होगा, यहाँ एक कैथोड, एनोड कैथोड, यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव लगा, एनोड कैथोड। ठीक, इसमें क्या होता है, हमने NaCl डाला, NaCl, तो Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, तो जो Na होता है वो कैथोड पे जाएगा और जो Cl है वो एनोड पे जाएगा। ठीक, वो यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो जो Cl होगा वो Cl यहाँ से निकलेगा हमारा और कहाँ चला जाएगा, इस Cl वाले प्रोसेस में, उसको अभी आप बाद में बात करेंगे। यहाँ से Cl चल गया और जो NaCl जो रिएक्ट नहीं हो पाए कुछ, उसे फिर से इसमें ब्राइन वाले में डाल दिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मरकरी सेल से निकला उसे क्या ले जाते हैं, डेन्यूडिंग टावर हमारा है, डेन्यूडिंग टावर। इसमें क्या करते हैं, मरकरी सेल से जो आता है NaOH, उसमें कुछ अमाउंट हमारी मरकरी आ जाती है साथ में, उसको यहाँ से रिकवर करने के लिए डेन्यूडिंग टावर हमने लगाया है। यहाँ से हम मरकरी को रिकवर कर लेते हैं और फिर से मरकरी सेल में डाल देते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो निकला फिल्टर, फिल्टर में हमने डाला, उसको कुछ प्योरीफाई किया जो इम्प्योरिटी रही हो, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 70% का हमारा NaOH, 70% का हमारा क्या हो गया, कास्टिक सोडा यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। अब हम देखिए क्या बात करेंगे कि जो क्लोरीन के फ्लोसिटी, उसके बारे में बात कर लें कि डायफ्राम सेल से जो हाइड्रोजन निकला उसे तो हमने अलग कर दिया, क्लोरीन जो निकला उसको हम लाते हैं टेम्परेचर मेंटेन के ड्रायर में, ड्रायर में उसे सुखाया जाता है क्लोरीन को। ठीक, सुखा कर अब क्या करते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन हमारी गैस फॉर्म में है, उसे पहले सुखाएं। अब कंप्रेसर, क्योंकि यहाँ पंप तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैस है, तो उसको कंप्रेस करके हमने भेजा कहाँ पर, एक फ्रीजर है। फ्रीजर क्या था, उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा है वो फिरोन रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि फिरोन रेफ्रिजरेंट -30°C पे इसे लिक्विफाइड कर देता है और यहाँ से हमें लिक्विड क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा वीडियो दो था, जो कास्टिक सोडा पे भी था और क्लोरीन पे भी था, जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यूएबल है और आपके एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई डाउट इसमें आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें, कोई शर्माने की बात इसमें नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।